हमारी ये चटनी पिस चुकी है, ये अच्छे से पिस गई है। और क्यों बुला लिया अभी मम्मी को? गैस क्लीन हो गई है और आज मैं बना रही हूँ जो लाल मिर्ची अचार होता है ना उसकी चटनी। और इसको आप करीब 6 महीने तक तो स्टोर करके रख ही सकते हैं, उसके लिए मैंने ये डब्बा इसको धुल लिया है। तो यहाँ पे लहसुन इतने ज़्यादा कलियाँ करे हैं और आप जितना पसंद करते हो। और ये करीब 15 रुपये की मिर्ची है जितनी भी है, तो इसको मैंने वॉश सुबह ही कर ली थी। अब इसको कट करेंगे और थोड़ा सा धूप में सुखाया था। चलिए हम आपसे ये मिर्ची के अचार पहले हम इसको मिक्सी में पीस लें, उसके बाद मिलते हैं। उसको कुछ भी नहीं करना रहता है कि बहुत सारा फैलान फैलाना है आपको इतने ही सामान में। और एक नींबू लगेगा है ना, और नमक लगेगा। चलिए हम बनाई के बताते मिर्ची कट करने वक्त। और मेरे को तो नहीं लगता है हल्की गाड़ी कौन बोला देखो ये लोग तो बोके लेके खड़ी। अरे रोके ना, मतलब कार में खड़े हुए हम रहे रोके रोके हम करना रोके 2 मिनट चले चला खड़े जा गाड़ी और 2 मिनट मिले बस। जो लहसुन अब मैं इसको मिक्सी में पीस लेती हूँ। बड़ा जार लिया है देखिए, क्योंकि छोटा था वो हो नहीं रहा था इस वजह से। अब वापस से इसमें हम डालेंगे नमक, ये हमारी ये चटनी पिस चुकी है 1 मिनट ये देखिए, और ये अच्छे से पिस गई है। और इसको पीसते समय मैंने आधा नींबू डाला था। अब ये पूरी जब चटनी बन जाएगी उसके बाद इतना नींबू डालूंगी। पीसने के लिए मैंने कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, नींबू डाला अगर ज़रूरत पड़ी तो। यहाँ पे इतना मैंने तेल ले लिया है, इसको तेज आंच में गर्म होने देते हैं। और इस पर हम डालेंगे हींग, उसके बाद थोड़ा सा राई। चलिए आप बने रहिएगा हमारी ब्लॉग। खुशबू के लिए हम डाल रहे हैं हींग और राई। इस पर डालेंगे हम लाल मिर्च, अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इसका पानी सोख जाएगा उसके बाद मैं चटनी को रखूँगी। तो मैंने अपनी सासू माँ को भी जता दिया है, क्योंकि इस समय ये होता है। मुझे आप ही लोग बोल रहे थे कि आरती जहाँ आप डिलीवरी कराओगे क्या कैसे कराओगे, आप किसको घर में रखोगे। तो चाहे वो हमें कुछ भी बोले पर वो हमारे अपने हैं, और जो बुरे वक्त में साथ दे दे अगर खड़े हो जाए, मुझे पता है कि खैर वो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं करती हैं, पर बुरे वक्त में अगर खड़े हो जाए तो अच्छी बात है ना। यहाँ पे साथ ही मैं अपनी चटनी भी चलाते जा रही हूँ और आप लोगों से बातें भी करती जाऊँगी। तो थोड़ी सी बस रह गई जैसे कि मैंने आपको उसमें मुझसे दिखाई है। और अब आप सोच रहे होंगे आरती इतना तीखा बना रही है, तो एक्चुअली मैं हस्बैंड के उससे ना तीखा खाना नहीं बना पाती हूँ। उनको लाइट सा ही खाना देते हैं हम और नमक भी कम देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये हम मेरे खाने के लिए इतनी तो बहुत है। और ये करीब अगर मैं इस तरीके से बना रही हूँ ना कि आप इसको 6 महीने तो आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, फिर भी मेरा तो 3 महीने तो चली जाना चाहिए है ना। और रोज़ रोज़ कब तक कुछ बनाते रहूँगी अलग से, वैसे मैं अलग से कुछ भी नहीं बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ ये बना लूँ तो अच्छा रहेगा, जब ये ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद फिर मैं इस डिब्बे पे भरूँगी और उसमें आराम से। अगर आप इसको बघार नहीं लगाते हैं, सिंपल से इसका जो पानी है वो नहीं जलाते हैं, तो मुझे मम्मी आपको 15 दिन चल जाएगा। हाँ फ्रिज में रख के काफ़ी दिन तक चला सकते हैं, पर बाहर बिना फ्रिज के आपको अगर इसको स्टोर करके रखना है तो इस तरीके से बघार के साथ में। देखिए गाजर का हलवा लग रहा है ना,
बघार के और उसका पानी बिल्कुल से जब तक सोप ना ले तब तक रखना है। हाँ, तो यहाँ पे अब मैं चटनी को इसके अंदर रख लूँगी, उसका पूरा पानी वो हो चुका है। तो अभी वापस मैं इस चटनी को डिब्बे में डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाई है। तो इस निब्बू को देखो, हमने इस तरीके से निचोड़ के रख लिया है। ये दो बीज पता नहीं कहाँ से आ गए, वैसे मैंने देखे थे वैसे इसमें बीज नहीं थे, एक दो ही थे तो मैंने हटा दिए थे, फिर भी कोई बात नहीं। और ये आराम से हमारा, खैर मैं तो 3-4 महीने में ख़त्म कर दूँगी है ना, क्योंकि मुझे बहुत तीखा पसंद है। काफ़ी मकसद के बाद ये पहले वो जो अलमारी थी ना चारखंड वाली, वो यहाँ पे रखी थी, पर वहाँ पे बार बार कब चूहे घुस रहे थे, तो मैंने इसको यहाँ जमा दिया। उस अलमारी को थोड़ा सा और खिसका है, जो ड्रेसिंग टेबल थी मेन अलमारी, छोटी अलमारी, इसमें कपड़े भी हो जाएंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, देव की अलमारी को इस तरफ रख दिया जिसमें देव के कपड़े रहते हैं। और वैसे तो मैं मेडिकल भी उन्हीं के साथ गई थी, मैंने उनको वहीं बुला लिया था क्योंकि अकेले इस हालत में हस्बैंड ने बोला कि नहीं जाना आरती। वैसे मैं बताऊँ, मेडिकल के आसपास ही मेरा मायका है, पर मेरे मायके से तो कोई भी खबर ही भी नहीं है, ना ही कोई फ़ोन कॉल्स, ना ही कुछ। तो देखिए, वो कहते हैं ना, कितने भी बुरे हों भले हों, एक चुट ससुराल में और ससुराल की बातें सुन लो, फिर उनसे बात कर लो, तो वो आपको बर्दाश्त हो जाती है। पर मायके में अगर आपको कोई दो बातें सुना देता है फिर तो फिर वो बातें लगती हैं थोड़ी सी दिल में, है ना। तो मैंने कहा चलो उनको ही बोलते हैं। हालांकि फिर वो आ गई थी, इतना तो मैं कहूँगी कि फिर वो आ गई थी। और यहाँ पर ही मैं गेहूँ बीन रही थी, एक्चुअली एक्स्ट्रा रखा हुआ था, मैंने कहा बैठे बैठाए हम बीन लेते हैं, और बाहर इतना सारा फैलान फैला है, एक्चुअली माफ़ करना। सुबह का टाइम था और इसी टाइम मुझे वहाँ पे भी जाना था और भी घर का काम करना था। तो अच्छा, मेरा जो 7वां महीना स्टार्ट हुआ है ना, तो उसमें एक तो बेबी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा आती होती है, सच बताऊँ ऐसा लगता है पूरा ना हलचल समझ में आता है। और अच्छा, आप बोल रहे थे कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी, एक अनुभव सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आपको फर्स्ट बेबी में कैसा एक्सपीरियंस था। तो मैं बता दूँ, देव के टाइम ना मुझे पूरे 9 मंथ तक उल्टियाँ आई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक मुझे बेटी ही चाहिए है, तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और देव की एक छोटी बहन आ जाएगी। और लड़कियों से बहुत रौनक होती है रियली में घर में। तो यहाँ पे मैं अपनी सोनोग्राफी के लिए आई थी, एक्चुअली मेरा 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है, तो मुझे एक सोनोग्राफी अभी करानी है, एक मुझे 8वें एंडिंग में करानी है। तो मैं यहाँ पे यही बोल रही थी मम्मी से कि मम्मी अभी थोड़ा सा रुक के, उन्होंने बुलाया, देखिए मेडिकल है ना ये, तो यहाँ पे इतना टाइम हो ही जाता है। और आप बताइएगा कि आप क्या बोलते हैं कि कैसा मुझे क्या होने वाला है। वैसे मुझे तो ये लगता है कि मुझे बेटी होगी, क्योंकि मुझे अभी वॉमिटिंग नहीं हो रही है। देव के टाइम पूरे 9 मंथ उल्टियां हुई थी और बहुत सारे सिम्टम्स अभी भी देव के टाइम के अभी मिलते जुलते हैं, पर क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकती। और मुझे कल रात में सपना आया था, मुझे एक प्यारी सी गुड़िया हुई है, वो भी ना नॉर्मल डिलीवरी से हुई है, तो घर में बहुत खुश थे सब। यही सब चीज़ तो मैंने कहा आज आप लोग से शेयर करती हूँ। और यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ पे बहुत सारा वेटिंग था, अभी मैंने पर्ची वगैरह तो कटवा ली थी वहाँ पर। हमारे यहाँ पे बाहर की सोनोग्राफी अच्छे यहाँ पे नहीं लेते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो बोलते हैं एक बार यहाँ पे भी कराओ। तो अब खैर मेरा बाहर का कुछ भी नहीं है, जो भी मुझे कराना होगा मेरा यहीं पे होगा। और मास्क मैंने घर में भूल गई थी, तो फिर मैंने कहा कि रहने देती हूँ, शॉल को ऐसे लपेट लूँगी। और मैं आपको बताऊँ कि कहना चाहिए, अभी मुझे ना तीखा चटपटा खट्टा खाने का मन करता है, मीठा करता है खाने का मन, पर उतना नहीं करता है जितने तरीके से तीखा और खट्टा खाने का मन करता है। और कहते हैं जो लड़कियां होती है ना, उसके में हलचल कुछ ज़्यादा ही महसूस होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा हलचल महसूस होती है। यहाँ पे मेरा इतना 3 दिनों से सर दुख रहा है ना, इतना दुख रहा, मैंने मैडम को बताया तो उन्होंने बोला ये कॉमन सी बात है, और शायद अभी आपको पता है ठंड ज़्यादा है या फिर हस्बैंड का टेंशन ले रही हूँ उस वजह से। तो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम ऐसा तो कुछ नहीं है, बस यही कि सर में पेन हो रहा है। और नीचे मैं, अब आप लोग समझ गए होंगे, नीचे ना इतना ज़्यादा पेन होता है, बैठने उठने चलने फिरने हर चीज़ में दिक्कत होती है, ऐसा लगता है मेरा बच्चा ना मुझे नीचे ही महसूस होता है जो जो भी है। और
वैसे तो मैं बता दूं कि हस्बैंड भी बोल रहे थे कि एक लड़की हो जानी चाहिए, और उनको भी मतलब हमें लड़की के ज़्यादा है। अब देखिए भगवान की मर्जी है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, पर जो भी हो अच्छा हो जाए आप, है ना, अच्छे अच्छे हो जाए सब कुछ, जब भगवान ने इतनी खुशियाँ दी है। और मेरे हस्बैंड भी जल्दी से ठीक हो जाए, पहले के थे ठीक हो जाए। अभी मुझे ना इस तरीके से बैठने उठने में पहले से ज़्यादा अभी प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे जैसे समय नज़दीक आते जा रहा है ना मेरा प्रेगनेंसी का, और एक डर भी लगता है यार कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि माँ बनना इतना भी आसान नहीं है, है ना, जितना हम सोचते हैं कि चलो ठीक है हो गया हो गया। मुझे भी यही लगता था, पर मुझे देव के टाइम का वही चीज़ याद आ रहा। और मेरा जो डिलीवरी है वो देव का जन्मदिन जून का है, तो मेरा डिलीवरी भी वही 2 मई की मेरा ऐसा डेट है। अब देखते हैं कब होता है कब नहीं होता है। और जो अभी सोनोग्राफी हुई है उसका तो रिपोर्ट आया नहीं, क्योंकि हर बार जब भी सोनोग्राफी कराओ ना कभी 2 मई की डेट दे देते हैं कभी अप्रैल की डेट दे रहे हैं, तो आगे पीछे ऐसा 1 वीक का हो रहा है। तो अभी जो 7वें महीने की सोनोग्राफी आएगी तो उसमें कुछ पता चल जाएगा, और वो तो फिर 8वें 9वें में होगी, तब फाइनल होता है ना कि क्या होने वाला है कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर मेरा मैंने सोचा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और जब झंडू मामला आके मैं लेटने की कोशिश भी कर रही थी तो फिर एकदम आँखें जलन हो रही थी, तो फिर मैंने कहा रहने दो, चलिए फिर हम आपसे सीधे हम मॉर्निंग में मिलते हैं। आज भी माहौल का मौसम कुछ भी ठीक नहीं है, और मैं बता दूँ कि मैंने इनसे भी नहीं बताया, खैर जिक्र भी नहीं किया है, तो मैंने मम्मी को बुलवाया है काय के लिए हल्का सा मास्क जैसे कर रहा है। मौसम पता कोहरा वाला मौसम है, मेरा सर बहुत ज़्यादा भी दुख रहा है। अच्छा 2-3 दिन से मेरा सर ना ठीक दर्द कम ही नहीं हो रहा है, तो अब आपको बता दूँ मैं। अच्छा तुम लो तुमसे तुम बात करो, है थोड़ी बहुत बात कर लो अच्छा लगेगा। अरे तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना, तो अब मुझे हॉस्पिटल विजिट करना है, कि वैसे तो मेरा एक ही हॉस्पिटल है वो भी गवर्नमेंट की, कहाँ मुझे क्या करना है। जैसे कि आपको मैंने बता दिया, तो अब जो रहता है ना जब मेरा अच्छा आप लोग पूछ रहे थे कल, मैंने आपसे लोग बोला था कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा, आप लोग भी बोल रहे थे कि आरती, किसी ने 6वां कहा किसी ने 7वां, है ना, तो मेरा 7वां मंथ स्टार्ट हो गया है। और जब 7वें मंथ मतलब 3rd टर्मिस्टर होता है तो उसमें ना हर 15 दिन में जाना होता है हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट वाले वो एडवाइस करते हैं। तो कल मैं सासू माँ के साथ गई थी, वो वही मुझे मिल गई थी, है ना, और ज़्यादा तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। तो आज मैंने उनको वैसे बोला था कि मम्मी घर आना आप करके, और कि बहुत सारी बातें करना है, मन भी हल्का होगा। और आपको पता है 7वां स्टार्ट हुए मुझे 1 वीक निकल गया है, है ना, तो जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है वैसे तो घबराहट हो रही है। अभी आप सुबह गए थे ना, क्यों ऐसा लग रहा है? मैंने सच में पढ़ कर सपने में देखी थी यार, मैं सपने में देखी थी। लो उसको बात करो थोड़ा सा, मैं छींची इसको करा दूँ। छींची आई, और यहाँ पे देव देव ये देखिए देव यहाँ पे ये एक बार कर चुका है, फिर इसको आई देव को बाहर जाना है टॉयलेट वगैरह छींची करने, वहाँ पे जा रहा है। तो ही मैंने आरती से बोला क्यों बुला लिया अभी मम्मी को, और आज फिर मौसम ऐसा ख़राब चल रहा है, और बस मैंने सपने में देखा कि शायद कि आरती को लड़की होगी, मुझे भी ऐसा लग रहा। मैं भी सोच रहा हूँ कि हाँ कम से कम देव की छोटी बहन आ जाएगी, कम से कम तो हमारा परिवार कम से कम पूरा हो जाएगा, भाई बहन आ जाएंगे देव, तो बस मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ फिर आप लोगों से।
आरती आ रही है जब तक वीडियो एंड नहीं करे। तो मैं देव को बैठा के तो आ गई, हालांकि वो कर लेता है। और ये सर बांधी हूँ ना पट्टी, तो हल्का थोड़ा सा अच्छा लगता है सर, बहुत भारी। मैंने मैडम को ही बताया था, तो वो बोले कि टैबलेट वगैरह तो लेनी ही होती। वो बोले इस टाइम सर दर्द, बैक पेन और थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है वो आपको होती रहेंगी, तो कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है। यही था, चलिए आज का वीडियो हम एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। देखते हैं कब आते हैं सासू माँ, है ना। चलिए बाय बाय।